हेलो। हाँ, इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये गणित विषय का कल क्लास 9th का एनसीईआरटी हिंदी भाषा में प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति का है। नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और की इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं है? तो इसका सॉल्यूशन है हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि इसे इसे संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो नंबर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या फिर रैशनल नंबर है, ये सारे क्या है, प्रमेय नंबर है। तो जीरो को हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं, ये होल नंबर में आता है, इसलिए ये प्रमेय संख्या ये है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज क्या है कि हम इसे पी बाय क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे जीरो को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, जीरो बाय वन प्राप्त करते हैं, तो पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू वन और क्यू का मान क्या है, जीरो नहीं। अगर वन लिख सकते हैं तो हम इसको जीरो बाय वन भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, ये प्रमेय संख्या है। इसमें उदाहरण दो, क्वेश्चन नंबर टू है, थ्री और फोर के बीच में छह प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें छह प्रमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जो हमने पिछले वीडियो में एक उदाहरण दिए थे, उसमें हमने दो तरीके बताए थे। एक आर प्लस एस अपॉन टू से हम निकालते रहेंगे उनको, बीच की संख्या निकालते रहेंगे, संख्याओं के दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालते रहेंगे और उससे हमको जो हमने छह प्रमेय संख्या है वो प्राप्त हो जाएंगी। दूसरा हमने तरीका अपनाया था कि जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें प्लस वन करके उतना उसका डिनोमिनेटर से पहली संख्या भी ज्ञात करो उस डिनोमिनेटर से, और जो बाद वाली संख्या उसको भी ज्ञात करो, और उनके बीच को उसको जो संख्या बनती है उसको हम उसका न्यूमरेटर मान के वो संख्या निकाल सकते हैं। जैसे ये इसमें कहे हमने किया कि छः निकालनी, कितनी संख्याएं निकालनी, छः, तो हमें छः संख्याएं प्राप्त करनी है, तो हम क्या करेंगे, छः में एक प्लस कर देंगे, और अब हमको क्या करना है कि तीन और चार के बीच में निकालना है। तो अगर सात डिनोमिनेटर होगा तो क्या होगा, तीन निकालना है तो हम क्या करेंगे उसको कि सात को ऊपर तीन से नीचे वन से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री तीन से, तो ये हो जाएगा थ्री इंटू सेवन, तो ये और नीचे फोर इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी रैशनल नंबर में रखेंगे, इसको भी रैशनल नंबर में रखेंगे, और उसको सेवन से, सेवन अपॉन सेवन से, और लास्ट वाले नंबर को भी सेवन अपॉन सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक आया हमारा 21/7 और 28/7। तो हमारा क्या आया, ऊपर न्यूमरेटर एक का आया 21 और दूसरे का आया 28। अब वो 21 से 28 के नंबरों को हम घुमा दें, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सबका डिनोमिनेटर कितना आ गया, 7। तो ये कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसको आपको वैसे बताऊं करके, क्योंकि अगर समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें क्या होता है, जितने भी संख्या है इसने ये बता रखा है कि हमको सेवन निकालना था, तो अब हमें क्या है, डिनोमिनेटर सेवन रखना है, और पर संख्या कितनी है, किसके किसके बीच में निकालना है, हमको तीन और चार के बीच में निकालना है, तीन और चार के बीच में हमको छह संख्या निकालनी है। तो एक संख्या हमको, अगर हम डिनोमिनेटर हमको कितना माना, हमने जितनी संख्या लिखनी है, संख्या निकालनी है छह, और डिनोमिनेटर क्या मानेंगे हम, उसमें वन प्लस कर देते हैं, प्लस वन और इजिकल टू हो जाएगा सेवन। तो अगर हमको अब क्या करेंगे, इसको पहले हम उसमें वो कर देंगे रैशनल नंबर में, अब इसको क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेवन करना है तो
ऊपर भी सेवन करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, वन को सेवन बना देंगे, तो हमने क्या किया, वन को अभी डिनोमिनेटर सेवन करना, वन की जगह में हमने डिनोमिनेटर क्या करना है, सेवन करना है। तो वन की जगह में सेवन करेंगे तो थ्री की जगह में क्या हो जाएगा, तो इसको थ्री बाय वन को हम क्या करेंगे, सेवन से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हमने तो करना ही है, नीचे तो हमने निकला है क्योंकि हमको उसको उसके बीच में सिक्स रेशनल नंबर निकालने हैं। तो दूसरा हमने फोर बाय वन को करना है, डिनोमिनेटर सेवन करना है तो ऊपर भी, तभी तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे अगर हम एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फ्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके वैल्यू उतनी रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा 21/7 और ये हो गया 28/7। ये हमारी होगी दो संख्याएं जिनके बीच में हमने सिक्स रैशनल नंबर निकाले। तो सिक्स क्या हुआ, अगला जगह 22, ठीक है। अब यहाँ दिखा रखा है 22, 23, 24, 25 और सब के नीचे हम क्या लगा देंगे, 77। तो ये इसका आंसर हो गया। ये आंसर आ गया। तो ये कैसे निकालते हैं ये आपको बता रहे हैं, ये 77 से इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया, पहले इसको 3/1 और 4/1 के फॉर्म में लिखा। और अगर उसको हम अगर नीचे डिनोमिनेटर अगर हम 7 कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए वो मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमको ऊपर न्यूमरेटर इसका 21 मिला, इसका 28 मिला, तो इनके बीच में जो गैप बना 22, 23, 24, 25 एंड 26, 27, ये 6 हमको क्या मिल गए, उसके बीच के नंबर मिल गए जो हमें निकालने थे। तो ये था इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम पी वाई क्यू के फॉर्म एस आर प्लस एस अपॉन टू जो था उसका तरीका था, उसमें भी हम इसको कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बता दिखा देता हूँ यहाँ पे ये कैसे करना है। पहले इसको हटा देते हैं, इसको हटा के उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका 7 नहीं आएगा, फिर अलग अलग आएगा, अलग अलग नंबर का अलग अलग आएगा क्योंकि इसमें अपरिमित नंबर है, असंख्य इनके बीच में जो गैप है हमारा 3 और 4 के बीच में जो गैप है उसका जो उसमें अनंत संख्याएं हैं, तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी 6 संख्या हमने नंबर उसके बीच के निकालने हैं। तो इस तरीके से तो डिनोमिनेटर 7 आया भी, अगर हम दूसरे तरीके से निकालेंगे तो उसमें डिनोमिनेटर अलग से आएगा, कोई और दूसरी 6 संख्याएं आ जाएंगी, यही नहीं आएंगी, कोई और आ जाएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हमने R प्लस एस अपॉन टू वाला फॉर्मूला निकाला, 3 और 4 के बीच में निकालना, तो हम क्या करेंगे 3+4/2। पहले हमने ऐसे निकालेंगे, पहले ये 3/4 ये आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 7/2 ये हमारा एक संख्या आई, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरी संख्या आ जाएगी 3+, अब ये 3+1 इसको मानना पड़ेगा हमें, और ये हो जाएगा 7/2। तो अगर इसका दोनों का एलसीएम अगर हमको क्या करना पड़ेगा, 2 मानना कर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 6 हो जाएगा, तो 6+7/2 तो दूसरी संख्या होगी आपकी 13/2, ये इक्वल टू हो गया 13/2। ऐसी तीसरी निकाल सकते हैं हम इसको और इसको प्लस करके 7/2+4/1। अच्छा इसके अपॉन 2 था, अच्छा इसको जोड़ने के बाद जो आएगा उसके अपॉन 4 है, तो इसके अपॉन 4 आ जाएगा,
ठीक है, इसके ये दोनों का अपॉन टू करना है, उसके इनको जोड़ने के बाद हमको टू से डिवाइड करना है, ए इक्वल टू हो जाएगा इसका अपॉन ये जो है पूरा इसके बट्टे टू, तो बराबर हो जाएगा ये फोर, इसका अपॉन टू हो जाएगा, तो ये टू है तो ये इसको अगर हम पहले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एट, तो हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन टू, एट प्लस सेवन तो 15 हो जाएगा, 15 अपॉन टू अपॉन इसके अपॉन क्या हो जाएगा टू, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 15 अपॉन फोर, तो ये तीन नंबर हमको मिल गए हैं 1 2 3 4। अब हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या को इन दोनों से इस संख्या को हम 3 से जोड़ेंगे फिर, तो ये हो जाएगा 25/8 और इसको जोड़ेंगे इसके अंदर से तो ये हो जाएगा 8 और 8 हो जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31/8 31/8 एक एक संख्या और निकल आएंगी, तो ये हो जाएगा ये 6 संख्या इसके हो गई, 3 हो गई, 5 हो जाएगी, फिर एक और निकाल लेंगे, तो ऐसी हम दूसरी विधि है, तो ये लंबी विधि है। तो ये था दूसरा तरीका कैसे हम दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमें संख्याएं निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। एक तो जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें एक ऐड करके उसका उतना उसका डिनोमिनेटर बना दें, उतना उसका हर बना दें। दूसरा है हम दो संख्याओं के बीच का बीच की संख्या निकालें और उसको बार बार वो प्रक्रिया को अपनाएं, तो हमें बीच की संख्या निकल के हम वो संख्या निकाल सकते हैं। परंतु जो दो संख्याओं को जोड़ के बीच की संख्या को निकालने वाली विधि है वो थोड़ा लंबी है, तो आप हर वो बना दो जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ के उसका हर बनाओ, जो हमने ये वाला किया। तो ये था आपका पहला दूसरा वाला क्वेश्चन। अब इसमें हम बात करते हैं अब प्रश्न नंबर तीन का। तीन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी, तो तरीका वही है। 5 परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे, इसका 6 बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, 6 बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे जैसे ऊपर क्या है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधी साइड, तो 3/5 को हमने 6/6 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 18/30 और 24/30, तो 18 के बाद जो 5 संख्या आ गई, ये सबसे इजी तरीका है कि हम क्या करें, जो संख्या दी गई है जितनी संख्या उनके बीच में निकालनी है उतने में एक जोड़ के वो डिनोमिनेटर बना दें, उतने से उसके डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उनके बीच की संख्या आसानी से निकल जाते हैं। जैसे यहाँ पर किया इसलिए 3/5 और 4/5 के बीच में हमको 5 संख्याएं प्राप्त करनी थी, इसलिए हमने हर उसका कितना माना वो संख्या निकाली, 5 में एक प्रश्न कर दिया 6 से हमने क्या कर दिया इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, इसके अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 से, इसके अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी, बदलेगा नहीं, एक ही संख्या से अगर हम अंश और हर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया 18/30, ये हो गया 24/30, 18 और 24 के बीच में हमको 5 संख्याएं मिल गई, 19, 20, 21, 22, 23/30 ये हमारा वो संख्याएं निकल आई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चौथा है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, ये
असत्य है, ये हमने पहले ही बताया था। ये क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये सत्य है। कारण क्योंकि यह पूर्ण संख्या सभी प्रकृत संख्याएं शामिल है। हाँ, पूर्ण संख्या में क्या होता है, सारे प्रकृत संख्याएं शामिल है, इसलिए क्या है, ये पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत जो पूर्ण संख्या है उसमें क्या है, जीरो भी है, उसमें नेगेटिव संख्या भी है, प्रकृत संख्या तो है ही है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक इंटीजर। हाँ, तो नहीं असत्य है, क्योंकि क्योंकि ऋणात्मक भी इसमें होते हैं, इसमें न, जबकि पूर्णांक संख्याओं में सभी संख्या ऋणात्मक नहीं होती। प्रत्येक, अच्छा दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है, क्योंकि इसमें कुछ संख्या ऐसी होती है जो पूर्ण नहीं होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। कारण परिमेय संख्या में अन्य कोई प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं जिन्हें पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता। कई परिमेय संख्या ऐसी होती है जिनको पूर्ण संख्या के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ये था आपका जो प्रश्न नंबर 4, ये एक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कक्षा 9 का मैथ का है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही हम ये वीडियो डालें उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और अगर आप वीडियो ये अच्छी लगी तो आपको लाइक बटन ज़रूर दबाएँ और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी जो प्रश्नावली 1.2 है वो पढ़ाएंगे, वो आपको दिखाएंगे।